हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया जी सर। आज हम अपने एक नए चैप्टर और आप जो इस चैप्टर पे कम फोकस करके घंटाधार करते हैं ना, उसी चैप्टर की बात कर रहे हैं। यानी हम लोग इनकम टैक्स के उस चैप्टर की बात कर रहे हैं जिस पे बच्चे ध्यान तो पूरा देना चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही करता है, आपकी डे टू डे लाइफ में ये काम करता है। इंटरेस्ट एंड फीस, इनकम टैक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और अगर इसमें से फुल फ्लेज के क्वेश्चन आ जाए ना, तो काफ़ी बच्चे खत्म प्लेन। क्यों? क्योंकि उनकी नज़र में ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जब आता है एक छोटी सी, कहते हैं ना अच्छा, एक छोटा सा गाना ही है, हमको छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे। तो ये चैप्टर भी कुछ ऐसा ही बोलता है कि हमको छोड़कर मत जाना। क्या कहता है ये चैप्टर? इंटरेस्ट एंड फीस, यानी इनकम टैक्स में जब आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है पे करने के लिए या लेने की बनती है किसी भी तरीके से, चाहे टीडीएस के तौर पर टैक्स लाइबिलिटी बने, चाहे टीसीएस के तौर पर टैक्स लाइबिलिटी बने, चाहे रिटर्न फेल्योर करने पर आपके ऊपर एक पेनाल्टी लगाई जाए, आप कह सकते हैं इंटरेस्ट के नाम पर, या एडवांस टैक्स, या जो एडवांस टैक्स का डेफरमेंट है उसके ऊपर, या टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, कहीं पर भी आप मिस्टेक करेंगे ना, यू'ल पे फाइन। फाइन तो छोड़ो, पहले तो हम यहां पर बात कर रहे हैं इंटरेस्ट एंड फीस की। फीस क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हमारा केवल और केवल इंटरेस्ट को लेकर के है। कितने तरीके से इंटरेस्ट लगता है जरा देखें। सेक्शन 201(1)(a) ये कहता है टीडीएस अगर आपने डिफॉल्ट किया या फेल कर गए डिडक्ट करने में, और डिडक्ट करने के बाद पेमेंट करने में, डिडक्ट नहीं किया पे नहीं किया, डिडक्ट किया बाद में किया पेमेंट भी बाद में किया, तो भैया टीडीएस के फेल्योर पर आपको सेक्शन 201(1)(a) में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेक्शन 206(c) नाम से ही पता चल जा रहा होगा, 6C जो कि टीसीएस से रिलेटेड है, सेम उसी तरह से अगर आपके ऊपर टीसीएस की लायबिलिटी है, आप उसका डिडक्शन या पेमेंट करने में फेल्योर करते हैं, तो आपके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा सेक्शन 206(c)(7) के हिसाब से लगेगा। अगर मैं बात करूं, तीन कॉमन सेक्शंस आपको हमेशा याद रहते हैं, कई बार आप इनका नाम सुनते हैं, सेक्शन 234(a), 234(b), 234(c), अब आता है 234(d), जी ई भी आएगा, चिंता ना करें, बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम इनकी बात करते हैं, इंटरेस्ट की बात करते हैं। क्या क्या है? 234(a) कहता है अगर आप रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट करते हैं या डिले करते हैं तो आपके ऊपर ये इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप एडवांस टैक्स का पेमेंट करने में डिफॉल्ट करते हैं तो आपके ऊपर 234(b) लगेगा। अगर आप एडवांस टैक्स का डेफरमेंट करते हैं तो उसके ऊपर सेक्शन 234(c) लगेगा। और 234(d) अगर आप एक्सेस रिफंड मिल जाता है आपको गवर्नमेंट की ओर से तो आपके ऊपर लगेगा सेक्शन 234(d). और अगर मैं बात करूं आपके ऊपर रिफंड अगर आपके ऊपर गवर्नमेंट का बना, यानी कि गवर्नमेंट इज नीडेड टू मेक द पेमेंट टू यू, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट टू द गवर्नमेंट, अगर आपके ऊपर कोई रिफंड बनता था, गवर्नमेंट ने उसको देने में डिले किया, तो जो लगेगा ना इंटरेस्ट का सेक्शन, वो उल्टा आपको देगा फायदा, सेक्शन 244(a). यानी ये वो सेक्शंस हैं जो इंटरेस्ट पेबल और इंटरेस्ट रिसीवेबल की बात करते हैं। सेक्शन 201(1)(a), सेक्शन 206(c)(7), सेक्शन 234(a), (b), (c), (d), और 244(a), इतने सेक्शंस हम लोग को देखने हैं। एक और है, बाद में बात करेंगे, चिंता ना करें, टेंशन काहे के लिए लेते हैं, अभी अभी तो कहानी शुरू हुई है, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले 201(1)(a). अगर आपके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना था, आपको टीडीएस डिडक्ट करना था, आप पेयर हैं, आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं और आपको टीडीएस डिडक्ट करना था, टैक्स डिडक्ट करना था, आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया। अरे सर, मैं तो टैक्स डिडक्ट करके बैठा था लेकिन गवर्नमेंट को पेमेंट करने में डिले हो गया। तो ये दो डिफरेंट गलतियां हैं, ये याद रखना। तो टैक्स डिडक्ट करने में डिले कर, टैक्स डिडक्ट ना करना, या फिर डिडक्ट तो कर लिया था, गवर्नमेंट को पे ऑफ नहीं किया, तो ये जो गलतियां हैं इस पर आपके ऊपर लगेगा इंटरेस्ट। जी, तो इंटरेस्ट पर जाने के पहले हम आपको कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चीजें बता दें, क्योंकि जब मैं उनकी बात करूंगा तो आप कहेंगे ये कहां से आया, ये कहां से आया, तो वो यहां से आएगा। कहां से आएगा? यहां से आएगा। ये क्या है ये चीजें जरा देखें। कहता है फॉलोइंग पॉइंट्स आर
टू बी नोटेड वाइल कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट वेदर सच इंटरेस्ट इज रिसीवेबल और पेबल टू द गवर्नमेंट। ये रूल के हिसाब से है, राउंडिंग ऑफ ऑफ द अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेट। जिस अमाउंट पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ना, वो राउंड ऑफ होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने? जिस वैल्यू पर, जिस अमाउंट पर आप टैक्स इंटरेस्ट रेट का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं ना, इट्स अमाउंट पर इनटू 10%, 1%, फिलहाल 1%, 1% का इंटरेस्ट। तो जो 1% आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिस फिगर में आप मल्टीप्लाई करेंगे वो फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, और वो मल्टीप्लाइड बाई 100 होनी चाहिए। जैसे 240 आ गया तो 200 लेंगे, क्या करेंगे 200 लेंगे। अमाउंट ऑन विच सच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड विल बी राउंड ऑफ टू द मल्टीपल ऑफ 100, इग्नोरिंग एनी फ्रैक्शन ऑफ 100। 380 है, अगर मैं कहूं 116,480 है, तो आप इसको लिखेंगे, इस वैल्यू पर आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। अब तो मेरी बात समझ में आई। तो जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी 100 के मल्टीपल में, उसको हम इग्नोर कर देंगे। अब क्लियर हुआ? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। नीचे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड इज 240 और 290, दैट शैल बी कंसीडर्ड 200 बाय इग्नोरिंग 90 और 40, जो भी केस हो। अच्छा, अब हमने उस अमाउंट को तो राउंड ऑफ कर दिया जिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जिस पीरियड के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ना, उसको भी हम फ्रैक्शन में नहीं लेंगे। तो इंटरेस्ट जिस वैल्यू पर कैलकुलेट करना है, जैसे मैंने कहा 116,480, मैंने कहा ये वैल्यू है, तो आपने कहा सर अब इस पर कैलकुलेट करिए 1% के हिसाब से 4.5 मंथ्स का, ये आपका है। नॉर्मल कैलकुलेशन कुछ इस तरह से आता है। तो अब मैं बताऊं आपको कि ये फिगर अब आपकी दिखेगी, ये 1% के हिसाब से, दैट इज ओके, ये होगी 4 मंथ्स। नहीं सर, आप है ना, इसको कर दीजिए 5 मंथ्स। कंफ्यूजन, 4 या 5, जरा उसके बारे में बात करते हैं। पार्ट ऑफ द मंथ शैल बी कंसीडर्ड एज फुल मंथ ऑलवेज, 4 महीना 1 दिन, दैट शैल बी कंसीडर्ड 5 मंथ्स। When interest is calculated on monthly basis, any fraction of the month shall be taken. तो कहता है कि जब इंटरेस्ट आप मंथली बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे ना, तो पार्ट ऑफ द मंथ, फ्रैक्शन ऑफ द मंथ शैल बी कंसिडर्ड एज फुल मंथ, यानी 4 महीने 1 दिन है ना, यू विल कंसिडर इट एज कंप्लीट 5 मंथ्स फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए आप उसको 5 मंथ्स कंसिडर करेंगे, इवन दो इट इज अ 4 मंथ्स 1 डे, 4 मंथ्स 5 डे, सबको 5 महीना कंसीडर करेंगे। अब तो समझ में आया। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट ईयरली बेसिस पर कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो मंथ को मारो गोली, 5 साल 6 महीना, 5 साल 5 साल 1 महीना 5 साल। तो कहने का मतलब ये, व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन एनुअल बेसिस एनी फ्रैक्शन ऑफ द मंथ शैल बी इग्नोर्ड। तो अब आपको दो चीजें ये तो समझ में आ गई क्या इग्नोर करना है। अब देखिए, जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, वैल्यू को राउंड ऑफ करेंगे, यानी कि उसको मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, जो इग्नोर कर, मतलब उसको मल्टीपल ऑफ 100, जो भी फ्रैक्शनल फिगर होगी 60, 70, 80, 10, 20, वो सब हम इग्नोर कर देंगे। चलिए सर, वो बात तो समझ में आ गई। जब पीरियड की बात करते हैं और मंथली बेसिस पर करते हैं, तो पार्ट ऑफ द मंथ शैल बी कंसीडर्ड एज कंप्लीट मंथ, और जब ईयरली की बात होगी तो मंथ शैल बी इग्नोर्ड, ठीक है ना, 2 साल 4 महीने, तो मंथ को हटा देंगे। अच्छा, वापस आते हैं अपनी जगह पर, कि जब हम बात करते हैं सेक्शन 201(1)(a) की, और आपके ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट की थी गवर्नमेंट ने कि आप टैक्स को डिडक्ट करेंगे, आप टैक्स को डिडक्ट करेंगे, और आप टैक्स डिडक्ट करने में फेल्योर कर गए, या आपने टैक्स तो डिडक्ट कर लिया था लेकिन आपने उसका पेमेंट गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं किया, है ना लोचा? हाँ सर, है, बिल्कुल है। तो कहता है कंडीशन, कब ये इंटरेस्ट आपके ऊपर कास्ट होगी लाइबिलिटी, इंटरेस्ट फॉर फेल्योर टू डिडक्ट एंड पे टैक्स एट सोर्स, वेयर अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स फेल्स टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स और डिपॉजिट सच अमाउंट ऑफ टैक्स आफ्टर डिडक्शन देयर ऑफ। ठीक है, अमाउंट क्या होगा? ऑन द अमाउंट ऑफ सच टैक्स। सर, जिस वैल्यू पर हमें जो टैक्स की फिगर है, भाई हम क्या कर रहे हैं, जो टैक्स डिडक्शन वाली फिगर है, हम उसी को तो ना नहीं डिडक्ट कर पाए,
अब उसी वैल्यू पर हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्यों? गवर्नमेंट को नुकसान कितना हुआ? आपको जितना पैसा मिलना है, गवर्नमेंट को जितना पैसा मिलना चाहिए था, जब मिलना चाहिए था नहीं मिला, इसका मतलब गवर्नमेंट उसी वैल्यू पर तो इंटरेस्ट लेगी। तो जिस वैल्यू पर हमें टैक्स डिडक्ट करके दे देना चाहिए था, उसी वैल्यू पर हमको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? मान लेते हैं जनवरी टू मार्च हमने नो डिडक्शन, अच्छा 1 अप्रैल को मैंने डिडक्शन कर दिया और मई को मैंने पेमेंट किया, तो कहा गया कि ये जो 3 महीने का फिगर है, ये जो 3 महीने का फिगर है, 3 मंथ्स का फिगर है, इस पर आपको 1% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन डिडक्शन के बाद वो पैसा आपने अपने पास रखा है और गवर्नमेंट को जब तक आप पे नहीं कर दे रहे हैं, उस समय आपके ऊपर 1.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। मेरी बात समझ में आई? 1% पर मंथ एंड 1.5% पर मंथ। और ये जो मेथड होगा इंटरेस्ट का, दैट इज योर सिंपल इंटरेस्ट। मेरी बात समझे ना? कंपाउंड इंटरेस्ट, ना कोई और मेथड से इंटरेस्ट, ओनली एंड ओनली सिंपल इंटरेस्ट मेथड लगेगा। फ्रॉम द डेट ऑन विच सच सम वाज डिडक्टेबल टू द डेट ऑन विच सच सम इज एक्चुअली डिडक्टेड, फ्रॉम द डेट ऑन विच सच सम इज एक्चुअली डिडक्टेड टू द डेट ऑन विच द सम इज एक्चुअली मेड एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। इन दोनों में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि जब हमें डिडक्शन करना चाहिए था, डिडक्शन की डेट तक जो भी डिफरेंस आएगा, उस पीरियड का हमको 1% का इंटरेस्ट देना है। डिडक्शन की डेट के बाद एक्चुअली जिस दिन तक हम जमा कर रहे हैं, तब हमें 1.5% का टैक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जिस चीज के लिए मैंने डिफॉल्ट किया है। कहता है पीरियड बता तो दिया, उसके बाद अब सोचना क्या है, ये भी आपको अभी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? बोल दूं? चलिए बोल ही देता हूं, क्योंकि सेम चीज सेक्शन 206(c)(7) में भी काम आएगी। इन केस एनी पर्सन फेल्स टू डिडक्ट सच टैक्स ऑन द सम पेड और पेबल बट इट इज नॉट डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट। सर ये क्या बला है? सेक्शन 201 सबसेक्शन 1 एसएससी इन डिफॉल्ट कहा जाता था। मान लीजिए मैं पेयर हूं और आप पेई हैं, मैं आपको रेंट पे कर रहा हूं, रेंट में पे कर रहा हूं, आप लैंडलॉर्ड हैं, मैं टिनेंट हूं। अच्छा एक बात बताइए, कि मेरे ऊपर टीडीएस, मैं मुझे इस पर डिडक्ट करना चाहिए था। यस सर, आपको टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था अंडर सेक्शन 194(i) के हिसाब से, लेकिन मैंने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, मैंने ये पेमेंट कर दिया इसको। अच्छा, इसने अपनी इनकम मानी होगी? हाँ सर, इसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की होगी। अरे सर, इसमें सोचना कि आप इतनी डिटेल में क्यों जा रहे हैं। और इसने अपना टैक्स पे कर दिया होगा, किया होगा ना? हाँ सर, भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट की गई है कि आप इस पर टीडीएस दो। अगर ये टीडीएस काट लेता, अगर ये टीडीएस चार्ज कर लेता, तो इसकी जो टैक्स की फिगर आती, उसमें से ये टीडीएस का फिगर माइनस हो जाता, इसकी नेट लाइबिलिटी बनती। मेरी बात समझें? हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है सर, यही होता ही है। अब मान लीजिए इसने टीडीएस नहीं डिडक्ट किया, लेकिन सामने वाले ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, इसने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, ये डिडक्शन मिली नहीं गवर्नमेंट को, टोटल लाइबिलिटी का पेमेंट हो गया जितना होना चाहिए था, मेरे द्वारा ना सही, उस टिनेंट ने, उस लैंडलॉर्ड ने तो पे कर दिया ना गवर्नमेंट को पूरा टैक्स, तो गवर्नमेंट के पास तो पूरा टैक्स पहुंच गया। तो सर मेरे ऊपर अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसमें आप नाकामयाब हुए। तो गवर्नमेंट कहती है कि जिस दिन इसने रिटर्न दाखिल की है, उस दिन तक का तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। इस दिन से लेकर जिस दिन इसने अपनी रिटर्न दाखिल की है, उस दिन तक का आप इंटरेस्ट तो दोगे ना। जेन्युइनली फिगर है भाई, कॉमन सेंस की बात है। उतना पैसा गवर्नमेंट का शुरू में ही पहुंच गया होता तो गवर्नमेंट उस पैसे का कहीं ना कहीं यूज करके कुछ ना कुछ कमाती या उसको सही जगह यूटिलाइज करती। लेकिन अब चूंकि नहीं आपने गवर्नमेंट को दिया, तो गवर्नमेंट ने कहा जिस दिन तक हमको रिटर्न का पेमेंट नहीं आ जा रहा है पेई की तरफ से, लैंडलॉर्ड की तरफ से, तब तक आप उस पीरियड तक का हमको इंटरेस्ट देंगे, बशर्ते इसने उस अमाउंट को अपनी इनकम में शो किया हो और इसका एक सर्टिफिकेट इसको पास ऑन किया हो। सेक्शन 201(1) के हिसाब से ये एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, उसके लिए आपको वहां पर जाकर देखना पड़ेगा। दैट्स इट, ये सेंटेंस यहां पर लिखा है। और ये सेम सेंटेंस हम सेक्शन 206(6)(c)(7) में भी
पाएंगे, देखेंगे नीचे, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल ठीक है सर। तो अब हमें सेक्शन 201(1)(a) में कुछ बचा? नहीं सर, कुछ भी नहीं बचा। मैंने क्या बोला कि अगर किसी पेयर को कोई अमाउंट टैक्स डिडक्ट करना था, उसने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, तो उस ड्यूरेशन तक का, जब तक वो डिडक्शन नहीं कर रहा है तब तक का वो 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा, सिंपल इंटरेस्ट। और जिस दिन डिडक्ट कर लेता है उस दिन से लेकर के जिस दिन एक्चुअल में गवर्नमेंट के अकाउंट तक पैसा नहीं जाता है तब तक का वो इंटरेस्ट 1.5% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को देगा। पक्की बात है, हाँ या ना? हो गया काम खत्म। अगर मैं बोलूं सेक्शन 206(c)(7) क्या बोलता है, सेम यही चीज बोलता है कि अगर आपके ऊपर टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी थी और टैक्स कलेक्ट आपने नहीं किया और कर भी लिया तो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट नहीं किया, तो आपके ऊपर 1% पर मंथ के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट लगेगा उस अमाउंट पर जिस पर उसका कैलकुलेशन होना था। बाकी सारी चीजें सेम है, कुछ भी नया नहीं है। बताओ, आपके बने दो सेक्शन पलक झपकते ही आपके खत्म हो गए और बहुत ही कम समय में हो गए, सेक्शन 201(1)(a) एंड सेक्शन 206(c)(7)। ठीक, ऊपर वाला सेक्शन मैंने टीडीएस में नहीं पढ़ाया था, यहां कवर हो गया। नीचे वाला सेक्शन मैंने टीसीएस में नहीं बताया था, यहां कवर हो गया। सही जगह पर कवर हो गया ना। अब आते हैं 234(a) और आज का मेरा लेक्चर केवल और केवल, अब जो बचा हुआ पोर्शन है लेक्चर का, 234(a) पर ही लिमिटेड रहेगा। यानी हम लोग आज केवल 234(a) ही सीखेंगे। क्या कहता है 234(a)? कि आपको रिटर्न फाइल करनी थी। मेरी बात बिल्कुल आराम से सुने, बिल्कुल बहुत ही इत्मीनान से। सारे सेक्शंस यहां पर अपने आप आपकी आंखों के सामने घूमेंगे कि हम क्यों पिक कर रहे हैं, बेसिकली हम उन सेक्शंस को पिक क्यों कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली वेलकम टू नो, रट्टाफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर कहता है कि अगर किसी पर्सन को रिटर्न्स दाखिल करनी थी, इनकम टैक्स रिटर्न, वो फेल कर गया अपनी रिटर्न फाइल करने में, वो फेल कर गया अपनी रिटर्न फाइल करने में, या उसने अपनी रिटर्न दाखिल की लेकिन ड्यू डेट्स के बाद, तो अब रिटर्न फाइल नहीं किया, उसको रिटर्न दाखिल करनी थी, रिटर्न फाइल करनी थी, इसका मतलब गवर्नमेंट को जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए। देखो भाई, यहां पर कोई वैल्यू की बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है आपके लापरवाही की। तो लापरवाही का इंटरेस्ट है, वैल्यू का इंटरेस्ट बाद की बात है, उसको सेकेंडरी रखें। ये लापरवाही पर आपके इंटरेस्ट लग रहा है, वेयर द एसएससी वाज रिक्वायर्ड टू फाइल हिज और हर और देयर रिटर्न ऑफ इनकम बट दे फेल टू डू सो इन द सेम वे इफ दे फाइल्ड इट द ड्यू डेट हैज बीन ओवर पास्ट ऑन। तो उस केस में कहता है कि किस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो जो अमाउंट डिटरमाइन करेंगे ना, वो अमाउंट गवर्नमेंट ने बताया भाई, इंटरेस्ट किसी ना किसी फिगर पर ही तो बनाएंगे। लापरवाही की फिगर कौन सी होगी? अब लापरवाही तो फिगर है नहीं जिस पर आप कहें लापरवाही इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू मंथ, ऐसे तो करेंगे नहीं। तो लापरवाही की फिगर क्या है? तो लापरवाही की फिगर आएगी कि जो अब दो चीजें हैं, या तो आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की, हाँ या ना, या आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जो फाइल की उसका रीअसेसमेंट हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, नहीं फाइल की तो भी, और ये इसको हम सेल्फ असेसमेंट कह सकते हैं। तो कहता है कि अगर लापरवाही की फिगर क्या होगी, उसके लिए इसने कहा कि जो आपकी रिटर्न ऑफ इनकम से टैक्स लायबिलिटी बनती है, जो रिटर्न ऑफ इनकम से जो टैक्स लायबिलिटी बनती है, माइनस कर दें टीडीएस, माइनस कर दें टीसीएस, माइनस कर दें एडवांस टैक्स, माइनस कर दें रिलीफ 1990A 91, और बैड क्रेडिट, दैट्स इट। ये चीजें आप माइनस कर दें इस टैक्स की फिगर से, जो वैल्यू आपको मिली ये वो अमाउंट है जिस पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 234A का।
ये वो फिगर है जिस पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 234A का, दैट्स इट। क्या बोला इसने, मैं फिर से बोलूं कि वो जो लापरवाही वाली फिगर कौन सी है, तो जितना टैक्स आपको नेट जमा करना था, नेट लायबिलिटी, वही आपकी लापरवाही वाली फिगर हो गई। वो कितना जमा करना था, जितना रिटर्न के हिसाब से अमाउंट आता है, माइनस टीडीएस, माइनस टीसीएस, माइनस रिलीफ, माइनस एडवांस टैक्स और माइनस एएमटी और मैट क्रेडिट, जो फिगर बच गई ना उसी पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 1% पर मंथ के हिसाब से। किसके हिसाब से, चलें, अगर आपने रिटर्न दाखिल कर दी तो जब आप रिटर्न दाखिल करते हैं तब तक की पीरियड का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपने रिटर्न दाखिल की क्योंकि आपके ऊपर असेसमेंट हुआ है, हाँ या ना, तो अगर असेसमेंट हुआ है, आपने रिटर्न दाखिल नहीं की और आपके ऊपर असेसमेंट हो गया, तो उस डेट तक, जब तक आपका असेसमेंट नहीं हो जा रहा तब तक का आपको इंटरेस्ट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। भैया तो आप रिटर्न दाखिल करते हैं या तो नहीं करते हैं। अगर आप रिटर्न दाखिल करते हैं तो आपके ऊपर सेक्शन 143, 147, 153A ये सब लगता है। रिटर्न अगर आप दाखिल नहीं करेंगे तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा, एक्स पार्टी असेसमेंट होगा, 144 में याद आया होगा जब आपको मैंने असेसमेंट प्रोसीजर पढ़ाया था, तो याद आया, हाँ सर। तो जब आपने रिटर्न दाखिल की तो डेट ऑफ रिटर्न तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रिटर्न दाखिल ही नहीं की तो भैया जब आपका असेसमेंट हुआ रहेगा किस सेक्शन में, वो भी 144 में, तब तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा पर मंथ के हिसाब से। पार्ट ऑफ द मंथ शैल बी कंसीडर्ड एज फुल मंथ, ये भी कंप्लीट है। रेगुलर असेसमेंट का क्या मतलब है, छोड़ देते हैं इसको, चलिए बोल ही देते हैं। जो मैंने अभी नाम लिया ना, सेक्शन 143, 144, 147, 153A, ये सारे असेसमेंट हमारे रेगुलर असेसमेंट कहते हैं। इसके अलावा कौन सा असेसमेंट होता है, एक होता है समरी असेसमेंट, जो 143 में कवर होता है, 143(1) में कवर होता है, ठीक है ना, 143(1) में कवर होता है, वो हमारा समरी असेसमेंट होता है, जिसको हम बेसिकली इंटीमेशन भी बोलते हैं। वो भी मैंने आपको कहानी बताई थी कि जब आप रिटर्न दाखिल करते हैं, आपके ऊपर कोई अमाउंट ड्यू हो गया या रिफंड हो गया या कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो आपके ऊपर एक इंटीमेशन आता है, बकायदा उसकी नोटिस आती है। इंटीमेशन ना मिलने का मतलब ये नहीं कि असेसमेंट नहीं हुआ, समरी असेसमेंट हो गया है ये मान लिया जाता है। अगर आपको इंटीमेशन नहीं मिला, ये मान लिया जाता है आपका असेसमेंट समरी असेसमेंट हो गया, हाँ आपके ऊपर कोई ड्यू और रिफंड नहीं हुआ, आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न भरी थी दैट वॉज ओके विद अर्थमेटिकली वो ओके थी, आपकी वो रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न नहीं थी, वो एक्सेप्ट कर ली गई, 143(1) का कोई इंटीमेशन नहीं आया। लेकिन अगर 143(1) का कोई इंटीमेशन नोटिस आता है तो इसका मतलब आपके ऊपर कुछ ड्यू बना है या रिफंड तय हुआ है, ठीक है ना। तो यहां 143(1) नहीं है, वो समरी असेसमेंट या इंटीमेशन है। 143(3), 144, 147, 153A ये जो हमारे होते हैं वो रेगुलर असेसमेंट या असेसमेंट की कैटेगरी में आते हैं। ये मैंने कवर करवा दिया। अब मान लेते हैं रीअसेसमेंट हुआ, रीअसेसमेंट होने से आपकी जो रिटर्न की इनकम होती है वो प्लस या माइनस होती है। भाई मैंने कहा मेरा ना रिटर्न ऑफ इनकम 5 लाख है, मैंने क्या कहा, मेरा रिटर्न ऑफ इनकम 5 लाख है, इसमें से टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, मैट, एएमटी की क्रेडिट जो भी हो, रिलीफ लेने के बाद ये मान लेते हैं 8, ये 2 लाख है, तो मेरे पास बचा कितना इनकम टैक्स, ये 6 लाख। मान लो फ्यूचर में, अब ये 6 लाख पर तो मैंने कैलकुलेशन किया, मैं एज अ एसएससी, बीइंग एन एसएससी, मैं अपने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 234A में करूंगा, जहां पर रिटर्न डिफेक्टिव है, यानी कि रिटर्न नहीं, सॉरी, जहां पर रिटर्न दाखिल ही नहीं की गई है या दाखिल की गई है ड्यू डेट के बाद दाखिल की गई है, तो उस केस में मैं खुद ही कैलकुलेशन करूंगा। लेकिन अगर इस रिटर्न ऑफ इनकम का बाद में रीअसेसमेंट होता है, और रीअसेसमेंट में असेसमेंट होता है या रीअसेसमेंट होता है, ठीक है ना, असेसमेंट या रीअसेसमेंट होता है, तो उस केस में मान लो ये 10 लाख हो जाए, तो गवर्नमेंट कहेगी माइनस करो 2 लाख, अब जो बचा 8 लाख, इस पर कैलकुलेशन करो, इस पर आपका इंटरेस्ट आ रहा था 5,000, 2 मिनट के लिए मानते हैं, इस पर आ रहा था 9,000, तो गवर्नमेंट ने कहा डिफरेंस ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि 4,000-5,000 तो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो सेल्फ असेसमेंट के समय, तो उसको आप माइनस कर दो फाइनल रीअसेसमेंट और असेसमेंट के समय, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है, वेयर द रिटर्न इज फर्निश्ड, डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, ठीक है, अमाउंट, ऑन द अमाउंट बाय विच ऑन टोटल इनकम एज पर असेसमेंट फिगर इज फाइनलाइज्ड, सब ठीक है, हो गया,
काम खत्म, इस सेक्शन का हिसाब किताब खत्म। एज इंटरेस्ट लाइबिलिटी इज डिफरेंट इन केस ऑफ असेसमेंट बाई हिमसेल्फ, अभी मैंने यही बोला, एंड असेसमेंट मेड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी, देयर फॉर इंटरेस्ट पेड अंडर नॉर्मली 234A एट द टाइम ऑफ द सेल्फ असेसमेंट शैल बी रिड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ द फाइनल असेसमेंट। ठीक है ना, वो मैंने ऐसे ही बता दिया नॉर्मल में। द लाइबिलिटी अंडर सेक्शन, दीज सेक्शन आर ऑटोमेटिक एंड द क्वेश्चन ऑफ ग्रंटिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड इज नॉट अराइज इन दीज केस, डजन अराइज इन दीज केस। 234 ABCD जो भी हैं, 234 ABC की बात करते हैं तो ये ऑटोमेटिक होते हैं, इनको आप अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड के तौर पर नहीं देख सकते कि हम SSC के ऊपर एक हार्शमेंट डाल रहे हैं तो हार्शमेंट के लिए उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड दिया जाए, मॉनिटरी प्रॉब्लम्स आएंगी तो ये है वो, ये ऑटोमेटिक है, ये तो आपको देना ही पड़ेगा, इसमें आपका अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड का कोई क्वेश्चन ही रेज नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन किया जाए, उम्मीद करते हैं ये 234A बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा और बिल्कुल नॉर्मल लेकर के चले, एकदम स्टोरी की तरह लेकर चले, आसानी से खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं तो आपके और दिमाग के जो पुर्जे हैं वो सही होंगे अपनी जगह। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर वन, जरा देखें। कैलकुलेट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है सर, बताइए। तीन केसेस हैं, ए लिमिटेड और बी। कहता है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। सबसे पहले केस नंबर ए को लेते हैं, ए का ले लेते हैं, ए केस नंबर वन लेते हैं, ए का ले लेते हैं, बाकी दोनों को छोड़ देते हैं। ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम 31 जुलाई, डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, तो यहां पर हो गया गड़बड़, ड्यू डेट के बाद रिटर्न दाखिल किया है। सर कितना महीना, जुलाई छोड़ दो तो अगस्त, सेप्टेंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का 4 दिन हो गए, टोटल 4 महीने, 4 दिन ले लेंगे हम इसको, 5 महीना। बात समझ में आई? और इंटरेस्ट तो आपको मालूम ही है 1% पर मंथ के हिसाब से लगना है, सर ये भी मालूम है। असेसमेंट कब कंप्लीट हुआ है इसको रख दो किनारे, और असेसमेंट की फिगर कितने पर कंप्लीट हुई है उसको भी रख दो किनारे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि दो केस हैं, एक तो जब मैं रिटर्न भरूंगा तो मैं अपना इंटरेस्ट 234A का खुद कैलकुलेट करूंगा, और जब असेसमेंट फाइनल होगा उस समय फिर से हमको रिवाइज करना पड़ेगा कितना इंटरेस्ट आना चाहिए था वो हमें रिवाइज करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम रिटर्न दाखिल कर रहे हैं 4 दिसंबर को, तो हम जो बात करेंगे 4th of December की करेंगे, किसकी करने जा रहे हैं, 4th of December, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। इसके लिए कहता है कि अमाउंट ऑफ इनकम एज पर ROI रिटर्न ऑफ इनकम के हिसाब से कितना बताया गया, बताया है, हाँ सर 5 लाख बताया है, 5,80,000, तो मैंने यहां लिख दिया 5,80,000, ये रिटर्न ऑफ इनकम के हिसाब से। आगे करें TDS, TCS, एडवांस टैक्स और टैक्स पेड। अब इस पर हम करेंगे टैक्स का कैलकुलेशन, 2.5 लाख पर 0 होता है, फिर 12,500 आ जाता है, फिर 8 पर 16,000 आ जाएगा, माइनस कर प्लस कर देंगे इस पे HEC 4%, ठीक। अब इसमें से माइनस कर देंगे हम लेस एडवांस टैक्स, लेस TDS, दोनों 10,000 दिए हुए थे, तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A हम ले लेंगे 9,600। अब समझ में आया, ग्रॉस राउंड ऑफ कर दिया, 1% के हिसाब से 5 मंथ्स का निकालेंगे, ये 1% 1 मंथ का है, तो हमारे पास आ जाएगा 480। ये आया कब, ये 480 मैंने रिटर्न वाली डेट पे अपना जमा कर दिया और मैं किनारे हो गया, बाद में
गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आपने जो ना 580 कैलकुलेट किया था दैट वाज नॉट ओके। 1 मार्च को 6,10,000 रुपए फाइनल किया गया। कितने फाइनल किए गए? 6,10,000 रुपए फाइनल किए गए। यहां लिख देंगे हम रीअसेसमेंट, सॉरी सॉरी असेसमेंट। इनकम कितनी है? 6,10,000। टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 0, 12,500 और 22,000। बोलो ना कितना आ जाएगा? 34,500 प्लस कर देंगे HEC 4% के हिसाब से, यस सर। तो ये आ जाएगा 34,500 का 4%, 1380। इसमें से माइनस कर ले TDS और एडवांस टैक्स, जैसे वहां माइनस किया था। पार्शियलिटी तो करनी नहीं है, सेम चीजें यहां भी माइनस करनी है। 10,000 एंड 10,000, 15,880 आया। कितना आया? ये हमारी डिफॉल्ट फिगर आ गई। तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A रिवाइज्ड कितना आ जाएगा? 15,880 का 1% के हिसाब से रिटर्न दाखिल करने की डेट तक, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, क्योंकि गलती तो वही हुई है। ये नहीं कि सर मार्च में इसका असेसमेंट हो रहा है तो मार्च, अरे भैया रिटर्न दाखिल ना करने की वजह से ये पेनाल्टी लगाई, इंटरेस्ट लगाया गया। तो रिटर्न ना दाखिल, रिटर्न तो दिसंबर में दाखिल कर दी गई थी, 4 दिसंबर को रिटर्न फाइल कर दी गई थी, तो वहीं तक का ही ये लगेगा, याद रखेंगे। अच्छा जी, तो 15, अच्छा ये 15,800। कितना आया था? यह आया 790। असल में आज तक मंथ में डिवाइड करने की आदत है ना, तो अभी भी वो आदत हट नहीं रही। अच्छा सर, 5 मंथ्स, 5 डिवाइडेड बाय 12 होता है, ये एक महीने का है, तो इनटू 5, 5 मंथ्स का हो जाएगा 790। तो अब हमें नेट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A ऑन मार्च 790 माइनस 480 हम ऑलरेडी दे चुके हैं, जो रिवाइज्ड फिगर आएगी 310 आ जाएगी। दैट्स इट, ये आपका आंसर है, इसको आपको समझना है। और बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। बताएं मैं क्या बताऊं इसमें, 234A में क्या बताने लायक था? नथिंग, कुछ भी नहीं। बस वो फिगर आपको याद रखनी है, TDS, TCS, एडवांस टैक्स रिलीफ और AMT और मैट क्रेडिट, दैट्स इट। इतना माइनस करने के बाद जो फिगर आती है उस पर आपको इंटरेस्ट देना है, हो गया काम। ये था आज का सेशन आपका, और नेक्स्ट सेशन में जब हम बात करेंगे तो हमारा ये चैप्टर उम्मीद करते हैं डंडना डंडन हो जाएगा। चूंकि आज आपका ये पहला दिन है इंटरेस्ट को लेकर के, तो दिमाग को खोलें, इस पर प्रैक्टिस करें। मेरे लिए तो बड़ा आसान है, लेकिन आपको थोड़ी एफर्ट्स देनी पड़ेंगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एज वेल एज वीमेन परफेक्ट। तो नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।